मिस्ट्री एजुकेशनल फाउंडेशन व युवा सोच फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वाधान में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं एकलव्य प्रतिभा सम्मान व पुरस्कार वितरण समारोह बालक भवन इंटर कॉलेज बटपुरवा विशनपुरा संगम इटिया थोक गोंडा में बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। सम्मान कर रहा है और उनको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। शिक्षा के द्वारा ही इस दुनिया में तरक्की हासिल की जा सकती है। अगर आप शिक्षित होंगे तभी आप अपने देश का, अपने गाँव का, अपने शहर का विकास कर सकते हैं। और मैं इस ट्रस्ट के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसकी बहुत ही सराहना कर रहा हूँ और मौका मिला आगे तो जितने भी इस विद्यालय के और पास पड़ोस के बच्चे प्राप्त करेंगे उन सभी बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा। अगली बात अभी मैंने बाराबंकी में अखिलेश यादव जी को बुलाया था, जितने भी वहाँ के बच्चों ने प्राप्त किया था सबको लैपटॉप दिया। आज जो है लैपटॉप के बगैर अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त की जा सकती। आप कहीं भी दुनिया की किसी भी लाइब्रेरी में जाकर किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी कर सकते हैं। और इसीलिए हमारे नेता जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया। लैपटॉप अच्छी भी चीज़ है और ख़राब भी है। अगर उसका आप अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो आप दुनिया की कोई भी चीज़ हासिल करने से वंचित नहीं कर सकते। और उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप सभी लोग जानते ही हैं। पटेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने विद्यालय में हमको बुलाया और हम लेट हो गए। इस वजह से मैं बच्चों खासकर बच्चों से छुपा चाहता हूँ और अगली बार जब आप बुलाएंगे तो आपके विद्यालय में समय से आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।